वोट किसको देंगे 13 जनवरी को? उस्ताद जी को नून लीग को नहीं देंगे और वोट हमारा बल्ले का। खान सियालकोट बाहर से खड़ा हो रहा है ये पीएमएलएन को, तो नवाशिफ खड़ा हो रहा है। वोट किसको देंगे? मैं आपको लंदन ले जाऊंगा, अमेरिका ले जाऊंगा। ना पूछो साड़ी मर्जी जिन मर्जी दही है ठीक है सर, ये तो चीज ना पूछे। अच्छा इमरान खान 13 जनवरी। अच्छा वोट इमरान खान का तो पीटीआई को। वोट 13 जनवरी को किसका है? इंशाल्लाह हमारा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 13 जनवरी इलेक्शन की डेट दे दी गई है और बड़ा धमाकेदार इलेक्शन होने जा रहा है। इसी इलेक्शन पर वकला हजरात जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त, वो किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे सियालकोट में, तो हम वकला से ही जानने की कोशिश करते हैं। आज सबसे ज़बरदस्त किस्म का सर्वे आपको दिखाते हैं कि वकला का क्या ख्याल है, वो किसको अपना रहनुमा चुनेंगे। सदर के उम्मीदवारों में सुहेल इकबाल हरर और आर के इस्लाम का नाम आ रहा है, ये दोनों मद्दे मुकाबिल होंगे। जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवार हैं जिनमें राहत नज़ीर वैंस, शाहद इकबाल वरिया और मलक नसीर के मद्दे मुकाबिल होंगे। वकला से ही जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपना कीमती वोट किसको देंगे। 13 तारीख का जो सूरज है वो सुहेल इकबाल हरर साहब की कामयाबी के साथ गुरूब होगा। वोट किसको देंगे? राहत नज़ीर साहब को इंशाल्लाह। वोट किसको देंगे सर? अभी तो डिसाइड नहीं किया कोई भी। 13 जनवरी को वोट किसको देंगे? इलेक्शन का वोट देंगे हम सेलर साहब को। सर ये बताएं वोट किसको देंगे 13 जनवरी को? सिर्फ और सिर्फ राहत को। राहत नज़ीर वैंस मेरा कैंडिडेट है, ठीक है, राहत के लिए तन मन धन से इंशाल्लाह पूरी कोशिश। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, वोट किसको देंगे? हम आर के को अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। मैं आर के इस्लाम साहब को दूंगा। वोट किसको देंगे? वोट शाहद बरियान को। आप वोट किसको देंगे? जो भी आर के इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, वोट किसको देंगे 13 जनवरी को? आर के इस्लाम साहब। सेक्रेटरी वो नहीं बता सकते भाई, 13 जनवरी को वोट किसको देंगे भाई? ये जो 13 जनवरी को आपकी इलेक्शन है, 13 जनवरी वो मुझसे आप पूछ लें, 8 फरवरी का वो मैं पीएमएलएन को दूंगा। को देंगे 13 जनवरी को? उस्ताद जी को। मैडम वोट 13 जनवरी को किसको देंगे? जनाब हम लोग सुहेल इकबाल हरड़ साहब के लिए जो है सेक्रेटरी के लिए हमारी अभी कोई कमिटमेंट नहीं। मर्जी से वोट दूंगा, अभी मैं बता नहीं सकता आपको। बता दें नहीं, थैंक यू। 13 जनवरी को वोट किसको देंगे? ऐ ना पूछो यार। बता दे ना पूछो यार। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। 13 जनवरी को वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह आर के इस्लाम फर सदर और सेक्रेटरी राहत वरिया साहब हमारे। मैं वोट सुहेल इकबाल हरर साहब को दूंगी। वोट किसको देंगे? सुहेल इकबाल हरर को। सेक्रेटरी तो मैं उसका भाई हूँ। अच्छा वोट किसको दोगे भाई? मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ भाई जान, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी का। आपने मेरी कंपेन करनी है, आपको पता नहीं है राणा इरफान मंजूर है? नहीं नहीं, राणा इरफान मंजूर साहब खुद ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आपने सदर सेक्रेटरी को वोट तो देना है। वो अभी मैं क्यों कहूँ मैं किसको देना है किसको नहीं देना है, मैं तो खुद लड़ रहा हूँ ना भाई जान। ठीक है, आप मेरे ख्याल से हर साल इलेक्शन लड़ते हैं राणा साहब, आपकी मेहरबानी। चलेंगे जला के ला, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह इस दफ़ा जीतेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर 13 जनवरी को वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह ताला। यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया। आर के सलाम को वोट देंगे। आप वोट किसको देंगे? मैं आर के सलाम साहब का वोटर भी हूँ और सपोर्टर भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वोट 13 जनवरी को किसका है? इंशाल्लाह हमारा है। हमारा है गुलेदीबा शाही एडवोकेट फॉर वीपी। किस सीट पे आप? नायब सदर पे। नायब सदर पे। नायब सदर पे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू। और हम इनके साथ हैं। वोट किसको देंगे 13 जनवरी को? सर प्रेसिडेंट के लिए सुहेल इकबाल हरड को और सेक्रेटरी के लिए राहत नज़ीर वैंस को। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, 13 जनवरी को वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह ताला शाहिद वरिया। सदर? सदर ये तो चीज़ ना पूछे। अच्छा भाई, जो शाहिद वरिया को वोट देगा हम उसी को वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सेक्रेटरी की सपोर्ट में हैं? सेक्रेटरी की सपोर्ट में है और उस बंदे की सपोर्ट में है जो बाकिरदार है, बाज़मीर है और वकला की डिग्निटी के लिए ये खड़ा होने वाला बंदा है। तो बाकी के नहीं है? बाकी के भी हमारे भाई हैं लेकिन उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना। भाई वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह शाहिद इकबाल वरिया साहब। वोट किसको देंगे? वोट पीटीआई को। 13 जनवरी को? 13 जनवरी को मैं वोट दे रहा हूँ इंशाल्लाह शाहिद वरिया साहब को। सदर की सीट के लिए जाहिर है कि शायद एक ही होता है बड़ी मुश्किल से, तो
तो वो दोस्त डिसाइड करेंगे। तनवीर को चौके आपके अपने इलेक्शन है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी हम सोहेल इकबाल हरर को सपोर्ट कर रहे हैं, सेक्रेटरी के लिए, सदर के लिए। सेक्रेटरी के लिए हमने ओपन छोड़ा है, अपने सारे एसोसिएट्स को अपनी मर्जी से जिसको दिल कर रहा वोट दें। वोट किसको देंगे 13 जनवरी को? वोट इमरान खान का। 13 जनवरी को इमरान खान आपकी बार से खड़ा नहीं हो रहा? आर के इस्लाम साहब को इंशाल्लाह। सेक्रेटरी में? सेक्रेटरी में ओपन है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, 13 जनवरी को वोट किसको देंगे? इमरान खान। 13 जनवरी? अच्छा, सोहेल हरर। आर के इस्लाम। सेक्रेटरी? सेक्रेटरी का भी फैसला नहीं किया। वोट किसको देंगे? राह नजीब वैंस को, क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट हूँ। कैंपेन कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैगाम देंगे? पैगाम ये है कि लास्ट से भी जो बार मेंबरान है उन्होंने मुझसे बड़ी मोहब्बत की और अल्हम्दुलिल्लाह 600 वोट लेने में मैं कामयाब हुआ। नहीं, एक वोट की जो बर्तरी से दूसरे चौधरी एहसन इस्माइल जीत गए थे और राहत नज़ीर वैंस बैड लक हुई कि एक वोट से ये हार गए। तो अब ये 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, अब ये किस तरह जीतने की तैयारी कर रहे हैं? थोड़ी सी हमसे बात करें, आप बहुत बिजी हैं। जी जी, मैं ये बताता हूँ कि मैं हारा बिल्कुल नहीं था। एक हमारे यहाँ पे हार और जीत नहीं होती, बस किसी को कुछ ज़्यादा पसंद करता है, किसी को कम पसंद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बार ने मुझे मोहब्बत दी, वो मेरी हार नहीं थी, वो मेरी जीत थी। पूरा साल भी मुझे वो मेरी जीत ही महसूस हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट ईयर सारे थे वो दोस्त इंटैक्ट हैं, वो सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह बारीक सीरियस से इस दफ़ा कामयाब करवाएगा। कोई पैगाम दे जाए ना जाती दफ़ा वकला को कि मैं आपको लंदन ले जाऊँगा, अमेरिका ले जाऊँगा। लंदन नहीं, मैं तो देखें हम कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। मैं तो 12 साल से यही कह रहा हूँ कि वकला को अपना कानूनी जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करना चाहिए और हम आइन के मुहाफ़िज़ हैं और इसी तरह मुहाफ़िज़ रहेंगे इंशाल्लाह। जो आपके सामने है, जो पाकिस्तान में बदअमनी फैली हुई है, जो ला कानूनीत है, उसके लिए अपनी जंग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक सर। तिल धन्ने को भी जगह नहीं मिलती, लेकिन आजकल चौके कैंपेन का सिलसिला जारी है और वकला हजरात यहाँ पर दावतें खाने में मसरूफ हैं और कैंपेन करने में मसरूफ हैं। तो कुछ और वकला भी यहाँ पर अंदर भी चैम्बर में चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, 13 जनवरी को वोट किसको दे रहे हैं? इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है, लेकिन हम लोग ना इलेक्शन बोर्ड के मेंबर है, इसी वजह से हम लोग। हम इंशाल्लाह सोहेल इकबाल हरर को वोट करेंगे। सेक्रेटरी राहत नज़ीर वैंस साहब को। क्यों भाई जान? सोहेल इकबाल हरर को ओपन वोट एंड सपोर्ट का कर रहे हैं। सेक्रेटरी बार? सेक्रेटरी का राहत नज़ीर की हमने अनाउंसमेंट दे दी हुई है। 13 जनवरी 2024 को सोहेल इकबाल हरर साहब को हम सदर मुंतखब करवाएंगे। जनरल सेक्रेटरी के लिए जनाब राहत नज़ीर वैंस साहब को हमने ओपन वोट एंड सपोर्ट का ऐलान किया है और उनको भी इंशाल्लाह बड़े मार्जिन से कामयाब करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल साहब? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक हो सर। वोट किसको देंगे 13 जनवरी को? आर के इस्लाम साहब हमारे कैंडिडेट हैं। वोट किसको देंगे? राहत भाई को। सदर के लिए? सदर के लिए भी कोई वोट किसको देंगे सर? राहत नज़ीर वैंस ही, आप देख लें हमारा मैच लगा हुआ है। भाई वोट किसको देंगे? भाई मैं नहीं बताता, मेरा राहत कैंडिडेट है। आज तुम्हारी मर्जी है, ऐसा तुम्हारी मर्जी जिन मर्जी दे ये, ठीक है, एनओसी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वालेकुम भाई जान, 13 जनवरी को वोट किसको देंगे? देखेंगे 13 जनवरी को, जब पहले नहीं कुछ भी बता सकते। 13 जनवरी को वोट किसको देंगे? जी हमने हमारे ग्रुप है ख्वाजा फैसला एसोसिएट, उन्होंने प्रेसिडेंट की सीट के लिए आर के इस्लाम को खड़ा किया, तो इंशाल्लाह उन्हीं के साथ है। अंकल वोट किसको देंगे 13 जनवरी? वोट अभी डिसाइड नहीं किया मैंने। किसको देंगे? राहत नज़ीर वैंस को। ये आप सदर की सीट के लिए? वो जिसको राहत भाई कहेंगे उसी को देंगे। 13 जनवरी को वोट किसको देंगे? सर इंशाल्लाह राहत नज़ीर वैंस को। वोट 13 जनवरी को किसको दे रहे हैं? जी PMLN को। 13 जनवरी को नवाज शरीफ खड़ा हो रहा है? ओ सो 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 ऐड करेंगे उसी रोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। सर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। 13 जनवरी को वोट किसको दे रहे हैं? जी डेफिनेटली 13 जनवरी को वोट हमारा बल्ले का है। 13 जनवरी इमरान खान सियालकोट बार से खड़ा हो रहा है? सियालकोट बार से इमरान खान नहीं, लेकिन हमारे जो PTI के हवाले से जिनको हमने किया है, नामजद किया है, तो वो ऑब्वियसली हम उन्हें बल्ले का ही कंसीडर करते हैं। वकील हैं आप, कवर कर गए हैं। आर के इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र सर। वोट 13 जनवरी को आर के इस्लाम चौधरी।
13 जनवरी को वोट किसको दे रहे हैं यार? ये तो 13 जनवरी को पता चलेगा, पहले बता दे थोड़ा सा, सब बता रहे हैं। बाहर दा ही तो पहले तो नहीं बताया जा सकता, सपोर्ट नहीं कर रहे नहीं किसी को, चलें दे रहे हैं सर वोट सर सैयद इकबाल हरड़ साहब को दे रहे हैं सर। तेरह जनवरी को जी हमारा जो है ना राहत नज़ीर वैंस को हम सेक्रेटरी के सीट के लिए वोट कास्ट करेंगे। आप क्या पूछना चाह रहे हैं आवाम से? वोट किसको देंगे? मैं वोट एम नसीर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उम्मीदवार 2024 सदर के लिए, सदर के लिए क्योंकि हम सिर्फ सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़कर एक नई रवायत कायम करेंगे। वोट किसको देंगे? सदर का या सेक्रेटरी का? दोनों बता दें। सदर का बता सकता हूँ सोहेल हरड़ साहब का। सेक्रेटरी? वो अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं आसिफ भाई बात तो सुने, तेरह तारीख को वोट किसको दे रहे हैं? सोहेल इकबाल हरड़ को, प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार है हमारा। सेक्रेटरी? सेक्रेटरी के लिए तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया, सोहेल ही जो डिसाइड करेगा, हम सोहेल के साथ ही सब वोट कास्ट करेंगे सारे दोस्त। इकबाल बरिया। सदर के लिए? सदर आर के इस्लाम। वोट किसको देंगे? वोट सर पहले तो हम नून लीग को देते थे वोट हमेशा से ही, लेकिन इस दफ़ा 8 फरवरी को नून लीग को नहीं देंगे और किसी को भी दे देंगे। मैं वैसे आपकी बार के हवाले से पूछना चाह रहा था। अच्छा, बार के हवाले से बार आर के इस्लाम को देंगे सर। और नीचे सेक्रेटरी? सेक्रेटरी के लिए राहत नज़ीर वैंस। आप भाई सर ये आपके इलेक्शन 13 जनवरी को? 13 जनवरी आर के इस्लाम। सदर के लिए तो हम आर के इस्लाम और सेक्रेटरी के लिए जो है वो वैंस को। आप वोट किसको दें? मैं दी आर के इस्लाम साहब को। सेक्रेटरी के लिए? सेक्रेटरी के लिए कंडीशन टू आर के इस्लाम। आप भी वोट दें? जी बिल्कुल देंगे, आर के इस्लाम साहब को देंगे। और नीचे सेक्रेटरी के लिए? नीचे जैसे आर के इस्लाम साहब का होगा कोई कमिटमेंट वैसे करेंगे। आप बताइएगा भाई आप वोट किसको? सर ये शायद इकबाल भरिया साहब। और सदर के लिए? सदर के लिए जिसे शायद साहब करेंगे हमें ऑर्डर उसको दे देंगे। सियालकोट बार के इलेक्शन के अंदर 13 जनवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके हवाले से हमने सर्वे किया, लोगों की राय जानी। वकला हजरात ने सदर के लिए किसको वोट देना है और सेक्रेटरी बार के लिए किसको वोट देना है आप तो ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।